लहराती हवा में गोते लगाना हर पक्षी को भाता है, वो खूंखार हो या छोटी मासूम चिड़िया। ये खुला आसमान हर किसी के लिए है। दुनिया भर में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं और सभी आसमान पर हक जमाती हैं। आज इनकी टोली केवल एक रीजन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर रीजन को इनहेबिट करती है। चाहे कोई बड़ा देश हो, बड़ा द्वीप हो, ये हर जगह कोई ना कोई कर्तव्य करते दिखाई दे जाते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही दिलचस्प पलों को आपके सामने रखने वाले हैं, जहां ये पक्षी हमें अपनी एबिलिटीज से सरप्राइज कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिलचस्प वीडियो को। क्रोज। पहली क्लिप आपको इस कौवे की दिखा देते हैं, जिसे हैजॉग से उलझने की चुल मची हुई है। पानी पीने के लिए वो हैजॉग को बाइट करता है, ताकि ये आफत 9-2-11 हो सके। लेकिन हैजॉग कहां बाज आने वाला है, ये बदले में सारा पानी ही पलट देता है। दोनों ही प्यासे बैठकर अपनी अपनी किस्मत को कोसते हैं। कौवे की गिनती वैसे सबसे तेज दिमागदार जीवों की लिस्ट में होती है। हालांकि ये इंसानों से कम ही गुस्सा होते हैं और उनसे पंगे नहीं लेते, लेकिन ये जो पार्क हम आपको दिखा रहे हैं, ये गुस्सैल कौओं का घर है, जो लोगों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ भी ये आते जाते लोगों को डराने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक और मामला देखिए, जहाँ ये आदमी अपनी गाड़ी पर बैठे कौवे को नीचे उतारता है, लेकिन उसके सभी सदस्य इस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मानना पड़ेगा कि कौवे में भी ऐसी यूनिटी पहली बार देखने को मिली है। यानी कि कौवे की जिस साइड को हम जानते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा गुस्सैल स्वभाव रखते हैं और चालाक भी हैं। अब यहाँ कौवे ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नया ही चीज खोज लिया है, क्योंकि ये एक बिल्ली की पूंछ को अपनी चोंच से पकड़कर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तो साफ है कि इन्हें ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा है। यहाँ बिल्ली खुद भाग जाती है, लेकिन कौवा बिल्ली का पीछा नहीं छोड़ता। और ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जहाँ कौवे बिल्ली की पूंछ को ही निशाना बनाते हैं। सीगल। सीगल के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये उन पक्षियों में से हैं जो चेहरे पर चेहरा लेकर घूमती हैं। इस सफेद खूबसूरत चेहरे के पीछे चालबाज सीगल है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमेशा से इनका ऐसा ही नेचर रहा है। खैर, आज ये किसी शिकार पर नहीं बल्कि चोरी के मिशन पर निकली है। एक स्टोर में घुसकर ये बड़ी आसानी से स्नैक्स के पैकेट को चोंच में दबा लेती है और ऐसे वॉक करती है जैसे रैंप पर चल रही हो। दोस्तों, लगता है सीगल को स्नैक्स चुराने की पुरानी आदत है, क्योंकि दूसरी स्टोर में भी ये कुछ ऐसा ही करते नजर आ रही है। बड़े प्यार से ये पहले तो अंदर घुसती है और पैकेट को उठाती है, जैसे कि इसने इस आइटम का बिल भर दिया हो। सीगल्स हमेशा से अपने बड़े गले से शिकार को निगलने के लिए मशहूर हैं। इन्हें ऐसा करने में केवल कुछ ही देर लगती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सीगल किस अंदाज में चूहे को एक ही बार में निगल जाती है, जैसे कि ये बस इसके लिए स्टार्टर हो। वैसे चूहा तो चूहा, ये खरगोश को भी एक ही बार में निगलने के लिए जानी जाती है। जानते हैं कैसे, तो ये देखिए, लंच के तौर पर आज एक सीगल ने खरगोश को चुना है और उसे खाने में इसे केवल कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। मानना पड़ेगा कि यह पक्षी दिखती छोटी है, पर कारनामे काफी बड़े करती है। यहाँ अब इसने गिलहरी को पकड़ लिया है और उस पर एग्रेशन दिखा रही है। बेचारी नन्ही सी गिलहरी वैसे तो अपनी स्पीड से सबके छक्के छुड़ा देती है, लेकिन आज इसके ही छक्के छूट गए हैं। जितनी स्पीड से यह भागती है, उतनी ही स्पीड से सीगल गिलहरी को पेट में जगह दे देती है। अब हमारा अगला मोमेंट डक और सीगल के बीच है। दोनों ही पक्षी यहाँ शान से बैठे हैं। डक की नजरें सीगल पर ही होती हैं, क्योंकि वो जान जाती है कि इस शिकारी की नजर उसके बच्चों पर है। जैसे ही ये सीगल नन्हे चिक्स की तरफ बढ़ती है, माँ बेबी और सीगल के बीच आ खड़ी होती है। यहाँ इस शिकारी को बेबीज को निगलने का कोई मौका नहीं मिलता, इसलिए उसे चुपचाप 9-2-11 होना पड़ता है। हेरॉन्स। बड़े गले वाले बर्ड्स की अगर बात आ ही गई है, तो हेरॉन्स का जिक्र कैसे पीछे रह सकता है। एक बड़े गले, भयानक चोंच और शिकारी रणनीति के साथ हेरॉन्स जब भी जंगे मैदान में उतरते हैं तो कमाल करते हैं। इनकी चोंच भले ही पतली होती है, लेकिन पकड़ा हुआ शिकार काफी बड़ा होता है। अब यहाँ ही देख लीजिए, आप जब तक सोचेंगे कि ये इतनी बड़ी मछली को कैसे खा गई, तब तक ये अपने शिकार को निगल भी जाएगी। कुछ इसी अंदाज में वो रैबिट को भी निकाल जाती है। पहले ये शिकार को चोंच में पकड़ती है और सीधे गले से नीचे उतारती है। दोस्तों, जहां हमें खाने को निगलने के लिए चबाने की जरूरत होती है, वहीं इस पक्षी का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी स्ट्रांग है। हेरॉन्स केवल मैमल्स ही नहीं बल्कि रेप्टाइल्स को भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। यहाँ आज इसके हाथे एक बड़ी छिपकली चढ़ी है, जिसे ये केवल कुछ ही देर में चट कर जाती है। मानना पड़ेगा कि शिकार खाने की तलब हो तो ऐसी हो।
डक। एक माँ अपने बच्चों के लिए जंगल के शेर से भी भिड़ सकती है तो फिर इंसान क्या चीज है। दूसरे जानवरों पर हमला करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है और एक माँ की हिम्मत किस हद तक जाती है ये आपको इस वीडियो में दिख सकता है। सड़क पर चलते इस परिवार की मुखिया ये माँ तब ताव में आ जाती है जब आदमी बच्चों के पास जाता है। अपनी इंस्टिंक्ट फॉलो करते हुए ये उसी वक्त उस पर हमला करती है। स्वैन। खूबसूरती की मिसाल भले ही स्वैंस को समझा जाता है लेकिन इसके दूसरे पहलू को राजी रखा जाता है। ये पक्षी केवल फोटो में ही किलर लुक नहीं देती बल्कि शिकारियों को और उनके दुश्मनों को किल करना भी जानती है। अब यहाँ देखिए कैसे अपने बच्चों के करीब आने वाले आदमी पर स्वैंस हमला करना शुरू कर देती है और उसे पानी से बाहर निकाल कर ही दम लेती है। ऐसे ही एक और हमले में दो स्वैंस एक आदमी को अपना निशाना बनाती है और वो उसे पानी में नीचे डुबाने की कोशिश करती है लेकिन आदमी बच निकलता है। गूज। गूज एक दिलचस्प बर्ड है जिसका गुस्सा उनके सर चढ़कर बोलता है। आकार, ताकत और पावर जैसे शब्द इन्हें समझ नहीं आते हैं, इन्हें केवल बहादुरी समझ आती है और ये कभी कभी फिजूल की हिम्मत भी दिखाने में लगे रहते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहाँ ये एक कुत्ते को अपने एग्रेशन का शिकार बनाती है। इन दोनों को कुत्ते के पास रहना पसंद नहीं आता तो बिन बात के ये उस पर भी बरस पड़ती है और कुत्ते को बुली करने की कोशिश करती है। ऐसा ही हाल कुछ यहाँ भी है जहाँ दोनों बर्ड्स के करीब एक गुरिल्ला की एंट्री होती है। इन्हें देखते ही गुरिल्ला समझदारी दिखाता है, आगे मैदान में कूदने की बजाय वो पीछे हट जाता है लेकिन गूस कहां मानने वाली है। अपनी धाक जमाने के लिए वो फिर से गुरिल्ला के पीछे भागती है और उसे इलाके से खदेड़ने की कोशिश करती है। कुछ टाइम बाद गुरिल्ला फिर से उसी इलाके में लौटता है लेकिन ये दोनों शैतान शिकारी उसकी नाक में दम कर देते हैं और उसे वहां से चुपचाप निकलने के लिए मजबूर कर देते हैं। गूस का बस चले तो ये जाकर प्रीहिस्टोरिक जानवरों से भी भिड़ जाए। जंगल में ये पक्षी सभी को अलग ही स्वैग दिखाती है। आज देखिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया इसने बोल के झुंड को बनाया है। हालांकि ये झुंड गूस को पीछे हटने का मौका देता है लेकिन यहाँ पर अपनी दादागिरी दिखाकर वो शो करती है कि उसे डर नहीं लगता। बुल भी केवल खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और इस जिद्दी पक्षी से उलझने में टाइम नहीं कमाते। गूस का जिद्दीपन किस हद तक जाता है ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। यहाँ एक फिशरमैन छुट्टी भरे दिन में फिशिंग का मजा ले रहा है लेकिन उसकी इंजॉयमेंट को जल्दी ही ग्रहण लग जाता है। अगले ही पल गूस के पंखों और पंजों की मार आदमी को घायल कर देती है। ये केवल हमला ही नहीं करती बल्कि आदमी को नीचे गिरने पर मजबूर कर देती है। आओ, अगर दिन में आसमान पर सियासत ईगल की होती है तो रात के अंधेरे में राज आउल का होता है। बिना आवाज के उड़ने वाले ये शिकारी पक्षी किसी को भी मात दे सकते हैं। खास तौर पर कम देखने वाले मैमल्स को तो इनका ज्यादा खौफ रहता है। यहाँ देखिए कितने मजे से ये आउल फॉक्स पर अटैक करता है। कुछ देर बाद जमीन पर बैठकर वो लोमड़ी को शांति से एब्जॉर्व करता है और सही से मौके का इंतजार करता है लेकिन लोमड़ी चालाकी दिखाकर अपना रास्ता बदल लेती है। ऐसे ही एक और क्लिप में आउल ने आज खरगोश को शिकार के रूप में चुना है। अपनी चालाकी दिखाते हुए ये खिलाड़ी आसमानी हमला करता है। यहाँ खरगोश भले ही आकार में बड़ा है लेकिन आउल अपनी पावरफुल स्ट्राइक को लेकर ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है और उसके विश्वास को तोड़ते हुए खरगोश बड़ी ही चालाकी से हमले को डॉच कर लेता है। तो दोस्तों ये तो कुछ अमेजिंग मोमेंट्स जो अक्सर हमारे आसपास तो होते हैं बट हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। कभी कभी बर्ड्स की लड़ाइयां देखने के लिए हमें जंगलों की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो हमारे बीच रहकर भी हमें एंटरटेन कर देती हैं। तो दोस्तों आपकी नजर में सबसे खतरनाक पक्षी की लड़ाई किन में होती है कमेंट करके जरूर बताइए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।